अलवर जिले में अवैध शराब बनाने की सूचना मिलने पर अधिकारियों श्री ओपी सहारन डीईओ अलवर दिगंबर डागुर ईओ ईपीएफ भरतपुर व श्री कुलभूषण मिश्रा ईओ ईपीएफ अलवर ने भिवाड़ी के एमएस पंकज वाटर्स के द्वारा अवैध शराब बनाने वालों को स्प्रिट तैयार शुदा अंग्रेजी शराब व बरदान खाली नई बोतल पवा उपलब्ध करा था कि सूचना दी, जिस पर ईओ ईपी जयपुर ग्रामीण श्री ज्ञान प्रकाश मिल ने सूचना को विकसित किया व बोगस ग्राहक बनकर सारी प्रक्रिया फैक्ट्री व माल कैपिटल गलेरिया में स्थित गोदाम सीसीस के रैकी पुख्ता कर संपूर्ण जगता के फैक्ट्री में दबिश देकर एक पाव ड्रमों में भरी करीब 1000 लीटर अंग्रेजी शराब जैसी करीब 10,000 पक्के खाली मिलने पर फैक्ट्री मालिक रामानंद सैनी, जो कार्रवाई किए जाने की भनक पाकर अपनी कार से भागने की फिराक में था, रोका, जिसमें भी सैंपल दिखाने के लिए बोतलों प्लास्टिक में अवैध भरी शराब मिली, जो कब्जा कर लिया गया। गिरोह के सरगना रामानंद की निशानदेही पर गोदाम में कार्रवाई कर 13 ड्रम में भरी करीब 26 लीटर अवैध रूप से तैयार की हुई शराब मिली। साहब बताओ ना, आपके बता देंगे साहब। जी ये मैं बोलता हूँ, इसको अलग ले जाओ। भिवाड़ी में सूचना मिली कि पंकज ग्लास फैक्ट्री जो पवे बनाती है वो स्प्रिट के ड्रम भी रखती है, उसने गोरा एक गोदाम ले रखा है। हमने हमारी सूचना को विकसित किया, पंकज फैक्ट्री पे बोगस ग्राहक भेजा, उसने हमारी गाड़ी को वहीं रखा और गाड़ी को रख के ड्राइवर से गाड़ी पिकअप लेके गया और वो गोदाम से जैसे ही ड्रम भर के ले गया, वहाँ जा हमने कार्रवाई की। उसके बाद इसके गोदाम पे उसकी मुलजिम की बेनिशादेही पे गोदाम पर कैपिटल गलेरिया, एक भिवाड़ी का प्रसिद्ध मार्केट है, कैपिटल गलेरिया के मार्केट में अंडरग्राउंड शॉप है, उसमें ग्राउंड फ्लोर पे उस पर हमने दबिश दी और वहाँ भी वैसी स्प्रिट जो पिकअप में मिली थी वैसी स्प्रिट मिल रही है। कितने ड्रम हैं ये अब देखेंगे, गिनती करिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ही है सर, 13 ड्रम हैं उसमें और 5 ड्रम उसमें हैं, कुल 18 ड्रम हैं। और पिकअप को इस संसाधन में काम लेने वाले वाहनों को इनको जब्त किया जा रहा है और आरोपियों